नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 10R Prime Blue Edition versus Vivo V23 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10R Prime Blue Edition में 6.43 इंच जबकि V23 Pro 5G में 6.28 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 10R Prime Blue Edition से कम है। विड्थ की बात करें तो 10R Prime Blue Edition में 2.97 इंच जबकि V23 Pro 5G में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 10R Prime Blue Edition से कम है। बात करें थिकनेस की तो 10R Prime Blue Edition में 0.32 इंच जबकि V23 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 10R Prime Blue Edition में 186 ग्राम्स जबकि V23 Pro 5G में 171 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 10R Prime Blue Edition में Fluid AMOLED जबकि V23 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 10R Prime Blue Edition में 20:1:9 जबकि V23 Pro 5G में 19:8:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10R Prime Blue Edition में 6.7 इंचेस जबकि V23 Pro 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 10R Prime Blue Edition में 1080x2412 और V23 Pro 5G में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 10R Prime Blue Edition में 87.9% जबकि V23 Pro 5G में 89.04% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 10R Prime Blue Edition में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V23 Pro 5G में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 10R Prime Blue Edition में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और V23 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 10R Prime Blue Edition में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और V23 Pro 5G में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 10R Prime Blue Edition में Mali-G610MC6 जबकि V23 Pro 5G में Mali-G77MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 10R Prime Blue Edition में MediaTek Dimensity 8100 Max और V23 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200MT6893 मिलता है। बात करें RAM की तो 10R Prime Blue Edition में 8GB की RAM मिलती है, जबकि V23 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 10R Prime Blue Edition में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि V23 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी 10R Prime Blue Edition में 5000mAh जबकि V23 Pro 5G में 4300mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो 10R Prime Blue Edition में एक कलर्स जबकि V23 Pro 5G में दो कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 10R Prime Blue Edition में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 32,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें V23 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 37,690 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus 10R Prime Blue Edition में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo V23 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 10R Prime Blue Edition आगे है, मेन कैमरा में V23 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 10R Prime Blue Edition आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 FE 5G है, दूसरा OnePlus Nord 2T 5G है, तीसरा OnePlus Nord CE 2 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Equinio 6 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।